बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री राजग समर्थित जदयू प्रत्याशी श्रवण कुमार ने आज बिहार शरीफ समाहरणालय में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में न्याय के साथ विकास का काम हुआ है। बिहार में पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी और न्याय के साथ विकास की गंगा बहेगी। और उन्होंने कहा कि बिहार तेजी के तरक्की करे, बिहार अमन शांति और आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे, यही कामना के साथ बिहार में NDA की सरकार बनेगी और सारा काम ढंग से होगा। इस मौके पर उनके समर्थकों ने श्रवण कुमार को जोरदार स्वागत किया और माला पहनाकर नामांकन दाखिल करने की बधाई देते हुए जीतने की कामना की। आज मैंने NDA प्रत्याशी के रूप में नालंदा विधानसभा से नामांकन किया है और बिहार तेजी के साथ आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो, बिहार में अमन शांति हो, भाईचारा और प्रेम हो, नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। NDA इस बार 200 सीट से ऊपर जीतेगा और बिहार में जो बचा काम है उसको पूरा करेगा।